तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होपफुली आप लोग बढ़िया हो गाइस। तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है गाइस टायर पे, कि मैंने गाइस डलवा रखा है अपने NS160 BS6 OBD2 2023 में। मैंने क्या डलवा रखा है, कौन सा टायर? अपोलो अल्फा S1 140/60 R17 का टायर है गाइस। तो इसका चलो एक रिव्यू, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं इस टायर पे ऑलमोस्ट मैं 1000 किलोमीटर डन कर चुका हूँ गाइस। तो 1000 इनफ होता है यार एक टायर के रिव्यू के लिए। तो 1000 एक इनफ हो चुका है। तो सो गाइस, मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा रिव्यू दे दूँ। एंड इस टायर का भाई कॉन्डिंग कैपेबिलिटी तो आप देख ही सकते हो भाई, ख़तरनाक है। मतलब कि आपको ना एकदम देखो, जैसे कि देखो, देख सकते हो थोड़ा रस चला रहा हूँ, बट कोई नहीं यार, बट देख सकते हो। तो ऐसे ऐसे जब आप करोगे ना, जैसे कि लेन चेंज करोगे ना, जैसे पीछे से एक होता है कि नॉर्मल टायर में हमारा 1 फुट मतलब कि सेक्शन का जो टायर होता है ना गाइस, उसमें हमारा पता है सीन क्या होता है? एक मिनट। तो उसमें हमारा सीन होता है गाइस, जब हम ऐसे ऐसे लहराते हैं ना, तो गाइस टायर ना थोड़ा सा छोड़ता है ग्रिप, ठीक है। बट ये वाली टायर है जो चिपक जाती है रोड पर, क्योंकि ये ऑब्वियसली सी बात है हमारे स्टॉक में भाई नॉन रेडियल आता है 130 सेक्शन का, और ये 140 सेक्शन का रेडियल है, वो भी अपोलो का है। अपोलो का आपको ग्रिप पता ही होगा गाइस। और ये ब्रेक क्यों मार रहे भाई? तो अपोलो का ग्रिप आपको पता ही होगा गाइस। तो अब वही बात है। एंड आपको देखो, आप एक ये टायर डलवाओगे ना, तो आपको थोड़ा सा पिकअप लगेगा ना कि बढ़ गया है। तो पिकअप बढ़ गया नहीं जाता है गाइस, पिकअप हो ही रहता है। बट पता है सीन क्या होता है? सीन ये होता है कि गाइस, ओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो सीन ये होता है गाइज कि पिकअप नहीं बढ़ता वो एक्चुअली में जो हमारा जो स्टॉक टायर होता है ना, जो पावर को ना मतलब कि थोड़ा सा ना संभाल नहीं पाता, ठीक है। और ये पावर को फुल पोटेंशियल तक संभाल पा रहा है। तो जितनी ये पावर डिलीवरी पिछले रियर व्हील में जा रहा है, तो व्हील से टायर में जा रहा है, तो टायर ना रोड पर चिपक जा रहा है और वो हमें इनिशियल पंच दे रहा है गाइज। तो वही बात है, ठीक है। तो और जो हमारा स्टॉक टायर होता है ना, उसमें गाइज हमारा ना स्लिप कर जाता है, ठीक है। वो टायर संभाल ही नहीं पाता है भाई, वो पावर ही नहीं संभाल पाता, पता नहीं क्यों। सो गाइज इसीलिए। एंड आप परफॉर्मेंस तो यार, तो परफॉर्मेंस तो टॉप नॉच है यार। तो देखो ग्रिपिंग में नो डाउट इट्स अ बेस्ट टायर फॉर NS160। और 150 लगाने का कोई तुक नहीं बनता गाइज NS160 में, क्योंकि आप देख सकते हो 160 cc की बाइक है। अब इसमें आप 150 सेक्शन लगाओगे, ठीक है, चलो लगाने के लिए तो लग जाओगे। रिम भी 130 सेक्शन का है, आपको वैसा ही 140 जैसा ही फील देगा। तो फिर क्या ज़रूरत है यार लगाने की, मुझे समझ नहीं आता भाई। इसीलिए मैंने 140 सेक्शन ही चूज़ किया, क्योंकि 140 सेक्शन, ये देखो ऑटो वाले को देखो, बहन चोत क्या कर रहा है भाई, मतलब कि इंडिकेटर भी नहीं देते भाई, इधर उधर घुस जाते हैं सिर्फ। तो वही मैं बोल रहा हूँ गाइज, टॉपिक पे आते हैं। तो 150 लगाने का, अगर आप शो ऑफ के लिए लगा रहे हो 150 लगाने का, तो समझो ना कि एक माइलेज ड्रॉप तो ऑब्वियसली सी बात होता। और वो 150 मतलब टायर सामने, अगर 100 के टायर पे आप चला रहे हो 150 पीछे से, तो आपको मतलब कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठता भाई, बिल्कुल बेकार चलता। इसीलिए भाई मैंने 140 ही चूज़ किया भाई, और अफोर्डेबल प्राइस में भी 150 आएगा। और देख सकते हो भाई, थोड़ा सा मतलब रस चला रहा हूँ, बट कोई नहीं, मतलब ऐसे ही आप लोगों को टायर का परफॉर्मेंस दिखाने के लिए चला रहा हूँ गाइस। बाकी आप लोग ट्राई मत करना कभी भी ये सब पब्लिक रोड पे, ठीक है। मैं आपको टायर का कैपेबिलिटी, जैसे लेन इधर से उधर करते हैं ना हम, तो उसका मैं दिखा रहा हूँ कि हाँ भाई, मतलब पीछे से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई तू ऐसे से यहाँ से कट मार दे ऐसे, ठीक है। तो सो गाइस, कट मारने के लिए ये टायर एकदम बिल्कुल बेस्ट है भाई, आप इसको डलवा सकते हो। और अब मेन पॉइंट आती है कि पावर ड्रॉप होता है, टॉप स्पीड ड्रॉप होता है क्या? सो गाइस, टॉप स्पीड वगैरह कुछ ड्रॉप नहीं हुआ, डोंट वरी, टॉप स्पीड आपका वही रहेगा। अगर आप पॉकेट के साथ चला रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली सी बात है भाई, 10 सेक्शन का टायर हम बढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा तो मतलब कि माइनर सा, मतलब कि बिल्कुल माइनर सा, जो माइनर सा होता है ना गाइस, वो माइनर सा भी पावर मतलब ड्रॉप नहीं होगा। और ये देख सकते हो भाई, लहरा रही है बाइक भाई, मतलब आप जितना इसको लिटा सकते हो ना उतना लिटा सकते हो। और सामने का इस टायर नहीं है ना, इसीलिए मैं नहीं लिटा रहा हूँ, नहीं तो देख सकते हो गाइस ऐसे लिटती है भाई। तो गाइस जैसे लेटती है देख सकते हो, 100 पे भी आप लिटा सकते हो तो एकदम बिल्कुल मक्खन चलती है, ठीक है। और सामने अगर मैं अपोलो का ही डलवा लूँगा ना गाइस, सामने स्टॉक ही है, तो आप जब भी डलवाओ ना, तो यार कॉम्बिनेशन के साथ डलवाना, ठीक है।
क्योंकि थोड़ा सा ना दिक्कत देता है, ठीक है। बाकी मतलब कि आपको जब आप न्यू राइडर रहोगे तब आपको पता चले, मतलब कि जब आप पुराने हो ना, मतलब बहुत ज़्यादा आप गाड़ी को जानते हो अपने आप से, तो तब आपको पता चलेगा हाँ भाई आगे वाला टायर इसका साथ नहीं दे रहा ज़्यादा जितना इसको देना चाहिए था। डैट्स वाई गाइज मैं बता रहा हूँ, इसी के लिए मतलब जब भी डलवाना तो कॉम्बो डलवाओ, ठीक है। और बाकी मैं चलो कहीं रुकता हूँ और फिर आप लोगों को टायर के बारे में, माइलेज के बारे में, अब थोड़ा चलता हूँ माइलेज के बारे में बात करते हैं गाइज। तो माइलेज क्या है, तो माइलेज यार कोई चीज़ नहीं भाई, माइलेज वही है सेम एज इट इज़, जो माइलेज रहेगा भाई वही रहेगा, एक दो का भी डिफरेंस नहीं आएगा भाई। क्योंकि हम ज़्यादा टायर मतलब कि अगर 150 का डलवाते हैं तो 3-4 का डिफरेंस आता, बट हम वही डलवा रहे हैं तो कहीं ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, ठीक है। तो माइलेज समझ जाओ ना कि सेम ही है। और यहाँ पे रेड लाइट है तो रुकना चाहिए यार, अब गर्मी है बट कोई नहीं रुक जाता हूँ, और ये ट्रक वाले भाई पेल देंगे तो वो भाई देख रही है। सो गाइज 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 1 2 3 तो चलो गाइज रुकता हूँ, फिर आप लोगों को डिटेल में अच्छे से बताता हूँ। सिर्फ मैं ही रुका हूँ, अच्छा पीछे भी रुके हैं लोग यार। सो गाइज पीछे भी लोग रुके थे, अब देखो स्पीड दिखाता हूँ गाइज आपको, नॉर्मल सा आपको स्पीड दिखाता हूँ गाइज, देख सकते हो। सो गाइज अभी देखना स्पीड दिखाता हूँ आप लोगों को, 116 17 18। ओ भाई ये ट्रक भाई, मैं स्पीड चेक कर लेता भाई। और देखो ब्रेकिंग ना, ब्रेकिंग टॉप नॉच है भाई, इस टायर में ब्रेकिंग का ग्रिप है ना भाई खतरनाक है, ठीक है। ओ पता है एकदम ब्रेकिंग का एकदम ग्रिप ना भाई कति ओपी है भाई, बहुत ज़्यादा ओपी, एकदम बहुत खतरनाक है भाई ब्रेकिंग का ग्रिप। तो यहाँ से चल लेते हैं गाइस, इधर से ऐसे चल लेते हैं, हमें नीचे से जाना है। सो यहाँ से हम चल लेंगे क्योंकि देवीलाल जाना है गाइस हमें, तो यहाँ से चल लेंगे। और देख सकते हो थोड़ा ऑफ रोडिंग भी कर ले रहा हूँ। और एक बात और है गाइज, क्योंकि हम जैसे कि ये टायर है ना, तो इसमें थोड़ा बम्प ना आपको कम फील होगा, ठीक है। नॉर्मल जो स्टॉक टायर होता है ना हमारा, उससे ना आपको ना जैसे कि जो मतलब कि ये जो छोटे छोटे जो रहते हैं स्ट्रेच, ये आपको ना कम फील होगा, मतलब ज़्यादा फील नहीं होगा आपके मतलब कि बम्प तक, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ तो वही बात है गाइज, एंड माइलेज ड्रॉप नहीं होगा, पावर बढ़ जाएगा इनिशियल में गाइज, और टॉप एंड में पावर वही रहेगा, इनिशियली पावर बढ़ जाएगा क्योंकि रोड पे ग्रिप इसकी अच्छी है तो हमें ज़्यादा पावर निकाल के देता है, समझ गए आप लोग। और यहाँ पे भी स्ट्रेच पे भी आप कितना भी मतलब कि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई हम कुछ लगाए हैं, और दिखने में भी अच्छा है गाइज टायर। मैंने अभी तो टायर अगर निकाल लिया था, लेकिन आप रिव्यू वाली वीडियो देख सकते, मतलब कि जो इंस्टॉलेशन वाली वीडियो देख सकते, उसमें टायर अगर निकाल दिया था तो कैसा लग रहा था गाइज। और ये देख सकते हो यहाँ पे देखो रेत वगैरह है, रेत से तो डर के यार बच के यार, तो ये वगैरह ऐसा है गाइज। एंड बाकी तो चलो एक बार रुकता हूँ, फिर आपको टायर दिखाता हूँ, फिर वीडियो को एंड करते हैं। और मोटा मोटी हम सारे हम तो सब कुछ बात कर ही दिए थे गाइज। और देखो ब्रेक देखो गाइज, ब्रेक देखो, ब्रेक देखो, ब्रेक का बाइट देखो यार, ठीक है। पीछे वाले ब्रेक का फीडबैक ने यार काफ़ी बढ़ सा गया है, एकदम बिल्कुल बढ़ सा गया है गाइज, मतलब सच बोलूँ ना तो। यहाँ पे रुकते हैं गाइज, यहीं पे रुकते हैं, ठीक है। अब यहीं पे रुक के आपको बता देता हूँ। सो ये देख सकते हो गाइज, ये रही अपनी गाड़ी, मतलब कि फाइनली हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, एक मेजर सा एक्सीडेंट था गाइज, लेकिन अभी हमारी गाड़ी ना बिल्कुल अच्छी हो चुकी है। आप फ्रंट से देख सकते हो, मीटर भी नया लग चुका है, बस थोड़े बहुत चीज़ें जो होती थी वो नया नहीं लगाया गाइज, क्योंकि मैंने देखो मैंने यहाँ पे जुगाड़ करने के लिए देखो यहाँ पे मैंने ना ये चिपका दिया था फेविक्विक से, लेकिन ये वाला हाउसिंग नहीं चेंज नहीं हुआ, ये जो छोटा सा पतला रहता है ये ब्रोक नहीं था, टूटा हुआ नहीं था, तो इसी की वजह से। तो आपको टायर दिखाता हूँ गाइज, देखो टायर अब अगर कैमरे में शो हो रहा होगा गाइज, तो देख सकते हो कितना लीन हो रहा है टायर, देख सकते हो गाइज इतना लीन हो रहा है, इतना देखो सकते हो इतना टायर जा रहा है, ठीक है। अभी मैंने इतना लीन किया है और ये यहाँ तक होता है गाइज, ठीक है। तो आप ये लो लेवल तक भी लीन कर सकते हो, लेकिन आप जब मैं आपको मतलब कि बोलूँगा नहीं कि लो करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका जितना ज़रूरी है ना उतना ही करो, क्योंकि आगे वाला जो टायर है ना गाइज, ये देख सकते हो स्टॉक है, अगर आगे वाला भी रेडियल रहेगा ना तब मैं कर सकता हूँ, ठीक है। एंड और टायर देख सकते हो गाइज, लुक तो गाड़ी के एकदम निखर के आती है, पीछे से भी अगर टायर अगर हटा दूँ तो। एंड बस थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है इस टायर का, बस एक ही ड्रॉबैक है गाइज, क्योंकि आपका जो गाड़ी का हाइट होता है वो थोड़ा सा कम जाएगा, क्योंकि इसमें पता है क्या लगा हुआ है गाइज, क्योंकि जो हमारा टायर रहता है वो
वो मतलब कि रहता है 130/70 रहता है, ठीक है, और 140/60 है गाइस। तो इसकी वजह से इस टायर का हाइट ना थोड़ा कम है, ठीक है, इसी की वजह से गाड़ी का थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस गिरेगा, बाकी आपका फिट है। और इस टायर की प्राइस की बात करें गाइस तो 3300, मतलब कि आपका आपका कोई भी अपोलो शॉप पे जाओगे गाइस तो आपको 3300 में मिल जाएगा और आपका लग जाएगा गाइस, ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब कि आप, और मैं तो बोलूँगा कि पेयर लगाना, दोनों लगाना तो अच्छा रहेगा गाइस, ठीक है। तो यही रहा टायर का रिव्यू गाइस, आपको सब कुछ एकदम मतलब कि ओके ओके सा मिलेगा, माइलेज आपको नहीं ड्रॉप मिलेगा, परफॉर्मेंस आपको इनिशियल पावर बढ़ जाएगा, ठीक, आपको कॉर्नरिंग कैपेबिलिटी जो नो स्टॉक टायर होता है उससे फार बेटर हो जाएगा, मतलब कि उससे समझ जाओ तो 60% बेटर हो जाएगा, ठीक है गाइज। वो जो टायर रहता है वो इधर उधर मतलब बॉबल मार देता है भाई पीछे से जब हम कॉर्नर करते हैं या फिर ऐसे ही लेन भी चेंज करते हैं तो गाइज, और इस पर फुल कॉन्फिडेंस आएगा गाइज। तो यही रहा आज का रिव्यू गाइज टायर का, अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना गाइज, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारे प्रोजेक्ट सोच रखा हूँ गाइज, जब भी थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ क्योंकि काम वाम ज़्यादा हो रखा है गाइज, बट कोई नहीं, आप स्टे ट्यून्ड, आप बने रहे चैनल पर गाइज, मैं जल्दी वापस आऊँगा गाइज, जल्दी मतलब कि एक बहुत धमाकेदार वीडियो के साथ आऊँगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखना अपना, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं गाइज़।